Hello guys, I welcome you all on The Catalyst, and today we will discuss the 12th June current affairs. And before this, we will discuss a very important quote given by Socrates. मतलब सुकरात के द्वारा जो quote दिया गया बहुत बहुत important है. I cannot teach anybody anything. I can only make them think. देखिए, मैं हमेशा से जब discussion किया करता था, जब मैं offline भी पढ़ाया करता था, तो the only thing कि कुछ किया जा सकता है तो वो ये कि जब तक एक प्रॉपर इंटरेक्शन नहीं है, जब तक क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं, जब तक स्टूडेंट सेल्फ इनोवेशन नहीं ला रहा है, सेल्फ अप्रोच नहीं ला रहा है, अनटिल अनलेस, तो क्या जरूरी है? जरूरी ये है कि वन मस्ट मेक देम थिंक, एंड दिस शुड बी अ टीचर्स, अ फैकल्टी और एनी गाइड फिलोसोफर्स मेन थॉट इज दिस कि वो लोग खुद अपने लेवल पर सोचना स्टार्ट करें, यस और नो. सो लेट्स बिगिन विद द सेशन ऑफ टूडेज. यहां पर आपको आई थिंक कंटेंट दिख रहे होंगे, यस. सो वी विल डिस्कस 12th जून करंट अफेयर, एंड हेयर द रशियन नेवी बिल्ड फर्स्ट फुल्ली स्टेल्थ वारशिप. तो यहां पर हम लोग एक डिटेल में आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, यस. सो रशियन नेवी बिल्ड फर्स्ट फुल्ली स्टेल्थ वारशिप. क्या होता है स्टेल्थ, क्या होता है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, वी विल डिस्कस. के नागराज नायडू नेम टू लीड यूएन ब्यूरोक्रेसी फॉर अ ईयर. तो यूएन ब्यूरोक्रेसी, यस, यूएन में भी ब्यूरोक्रेसी होता है, जो पूरा जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, इतने सारे जो मेंबर्स और वहां पर पूरी तरह से डेमोक्रेसी रखी जाए, तो उसे के नागराज नायडू, ही विल बी द लीड ब्यूरोक्रेट देयर. And he will help to Abdullah Shahid, जो अभी प्रेसिडेंट बने हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. आर एस सोडी अभी बहुत ज्यादा चर्चा में भी थे, इन्हें पुरस्कार दिया गया एशिया पैसिफिक प्रोडक्टिव चैंपियन अवार्ड. वाई वॉज न्यूज, आपको याद आ रहा होगा, अमूल और पेटा की आपस में जो एक वर्बल एक्सचेंज हुआ था, हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे. एंड फोर्थ टॉपिक इज रिलेटेड टू इंडिया मालदीव रिलेशन. तो इंटरनेशनल रिलेशन जीएस पेपर सेकंड के लिए ये इंपॉर्टेंट है, एंड ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में. अगेन के नागराज नायडू प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी जीएस पेपर थर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जीएस पेपर थर्ड के लिए रशियन नेवी. एंड नेक्स्ट इज ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स EIU. ये एक इंडेक्स आया, कौन सा शहर सबसे अच्छा रहने योग्य है, इसकी एक इंडेक्सिंग जो है निकाली गई है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा. सो ये जो है इंडेक्स एटसेट्रा, ये गवर्नेंस वाले पार्ट में इंपॉर्टेंट है, इसलिए जीएस पेपर सेकंड का हिस्सा है. व्हाट इज द ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन, अभी ये एक इश्यू चर्चा में आया, और सीपीआई जो एमपी हैं उन्हें अलाउ नहीं किया जा रहा है टू गो इन द टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप, और इसीलिए वो एक एमपी हैं, उन्हें रोका जा रहा है, तो इट विल बी कॉल्ड ब्रीच ऑफ प्रिविलेज. तो क्या है ये, वी विल डिस्कस. एंड जीएस पेपर सेकंड अगेन. G7 एजेंडा दिस ईयर एंड व्हाट इज इन इट फॉर इंडिया. देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले सालों में बोला था कि भाई इंडिया को जो ये लाइक माइंडेड कंट्रीज जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, चाइना के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए G7 में तीन से चार देशों को और एड कर देना चाहिए, इंडिया, साउथ अफ्रीका एटसेट्रा, ब्राजील. सो इसके लिए भारत के लिए यहां पर क्या विशेष है, CHIME टेलीस्कोप ये कनाडा में लगाई गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या ये किसकी इमेजेस ले रही है, किसको ये प्रोसेस कर रही है, प्रोजेक्ट कर रही है यूनिवर्स में. साहेल रीजन साउथ अफ्रीका का, ये क्यों चर्चा में आया, वी विल डिस्कस. पाके या पखुई टाइगर रिजर्व जो अरुणाचल प्रदेश का है, वो भी अभी चर्चा में था. और ये सभी जो तीनों टॉपिक हैं 10th 11th 12th, दीज आर रिलेटेड टू प्रीलिम्स इंपॉर्टेंस. काइम इज रिलेटेड टू दिस टेलीस्कोप. टेलीस्कोप हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है, वेदर वी कैन से ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप और स्पेस बेस्ड टेलीस्कोप, हमेशा ये चर्चा में रहती है ना. जैसे आपने सुना होगा जेम्स वेब टेलीस्कोप, आपने सुना होगा हबल टेलीस्कोप. तो साहेल रीजन, ये ज्योग्राफी जीएस पेपर वन और साहेल रीजन हमें पता होना चाहिए कहाँ है, वैसे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. तो ये सभी टॉपिक्स वी विल कवर टुडे इन द टुडेज सेक्शन. तो
तो वेरी फर्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू रशियन नेवी बिल्डिंग फर्स्ट फुल्ली स्टेल्थ वॉरशिप। अब हमने रिसेंटली एक चीज डिस्कस की थी, भारत का जो प्रोजेक्ट 75 है उसके तहत हमारी जो 6 पनडुब्बियां हैं, खांडेरी कावेरी है ना, खांडेरी वशगीर वागीर, इस तरह से 6 जो पनडुब्बियां हैं जो भारत में ही बनी फ्रांस की मदद से, तो इनमें भी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। अभी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होता क्या है? स्टेल्थ मींस रडार की रेंज में ना आए, यही तो उद्देश्य है। रडार 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 का मतलब क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, इसकी रेंज में ना आए। और हमेशा से जितने भी टैंक्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, वारशिप हैं या फिर सबमरीन्स हैं, कॉर्वेट फ्रिगेट, ये सभी क्या है, कभी भी इनका एक युद्ध चलता है रडार से कि रडार ज़्यादा ताकतवर हैं या फिर ये मिलिट्री इक्विपमेंट ज़्यादा ताकतवर है। यदि कोई प्लेन कभी भी रडार की नज़र में नहीं आए, नज़र में ना आए, इसका मतलब प्लेन ऊपर चला गया है और जो टेक्नोलॉजी है रडार टेक्नोलॉजी वो नीचे आ गई, इसका मतलब वो आसानी से प्लेन कहीं पर भी बॉम्बिंग कर सकता है और रडार की नज़र में नहीं आएगा। अब स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होता क्या, देखिए जो कोटिंग होती है बाहर की, जैसे एयरक्राफ्ट है या फिर वारशिप है, युद्धपोत है या फिर पनडुब्बी है, तो या तो जब रडार क्या होता है, रेडियो वेव्स, जब रेडियो सिग्नल्स भेजे जाते हैं इससे टकरा कर ये वापस से रिसोर्स सोर्स पर आते हैं और बताते हैं कि भाई कोई ऐसी कोई इक्विपमेंट चल रहा है। लेकिन यदि रडार के द्वारा भेजे गए सिग्नल को ये किसी दूसरी दिशा में ट्रांसफर कर दे तो इस प्रकार की कोटिंग उसकी आउटर बॉडी पर की जाती है। या फिर ऐसा भी किया जाता है कि जो भी रडार्स की वेव्स आ रही हैं उन वेव्स को इसकी कोटिंग पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर ले, तो वो तरंग जो रेडियो वेव है वापस उस पॉइंट पर नहीं पहुंचेगी जहां पर इसको डिटेक्ट करना है और पता ही नहीं चलेगा कि कोई इक्विपमेंट आ रहा है। और इस तरह से क्या हो सकता है कि सारे रडार सिस्टम को जो है एक तरह से धता बताकर वो आसानी से कहीं पर ही पहुंच सकता है। तो दिस इज व्हाट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, जीएस पेपर सेकंड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट नेवल शिप जो कंप्लीटली, देखिए कोई कंप्लीट नहीं है, ये फुल्ली बात कर रहे हैं, और इन्होंने क्या करा इस तरह से, ये द हुल ऑफ मर्करी नेवल कॉर्वेट, तो ये एक प्रकार की कॉर्वेट है। कॉर्वेट छोटे युद्धक वारशिप होते हैं। अब देखिए वारशिप में मैं आपसे बात करूं तो ये डायग्राम भी मैं इसीलिए लेकर आया कि जो सबसे बड़ी जो होती है वो होती है बैटलशिप, और उसके बाद क्या होता है एयरक्राफ्ट कैरियर। जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर तो गोर्शकोव है, दुनिया का सबसे बड़ा गोर्शकोव है ना, अमेरिका का सबसे बड़ा है दुनिया में जो एयरक्राफ्ट कैरियर है। गोर्शकोव को तो भारत ने लीज पे लिया, INS अरिहंत भारत के पास जो है ना एयरक्राफ्ट कैरियर, अब भारत के पास दो हैं। और इसके अलावा फिर कौन आते हैं, फिर आते हैं इससे बड़े, इससे छोटे होते हैं क्रूजर, तो सबसे बड़ा होता है बैटलशिप, फिर एयरक्राफ्ट जिसके ऊपर बहुत सारे प्लेन्स भी अपने आप उतर पाते हैं, है ना। इसके बाद में क्या होता है क्रूजर, डेस्ट्रॉयर, डेस्ट्रॉयर के बाद में फ्रिगेट और फिर कॉर्वेट, तो कॉर्वेट सबसे छोटी होती है कॉर्वेट। तो ये मतलब बिल्कुल किसी की भी, और इसमें क्या टेक्नोलॉजी है, रडार एब्जॉर्विंग कोटिंग की गई है। इसी प्रकार से इंडियन नेवी की जो सबमरीन्स हैं उनमें भी क्या किया गया, इस प्रकार की कोटिंग की गई। आजकल प्लेन्स में भी ये किया जाता है। अब रडार यदि नहीं पकड़ पा रहा है तो वो कुछ और टेक्नोलॉजी क्रिएट करेंगे, जो रडार टेक्नोलॉजी है उनके अंदर इनोवेशन की आवश्यकता होगी, तो अब वो कुछ और रिसर्च करेंगे कि है कैसे इसको पकड़े, कैप्चर करें, इज इट क्लियर। और इस तरह से क्या होता है, ये जो शिप बैटलशिप, ये इनकी जो इंजीनियर्स हैं और रडार के जो इंजीनियर्स हैं उनमें लगातार एक कॉम्पिटिशन चलता रहता है कि कौन ऊपर आएगा। शायद आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, तो ये बात आपको याद रखनी है क्या टेक्नोलॉजी है। एंड यस, द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया इज व्लादिमीर पुतिन, बहुत लंबे समय से व्लादिमीर पुतिन चल रहे हैं, लास्ट 20 ईयर्स से, है ना, और मोर देन दैट, है ना, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भी व्लादिमीर पुतिन थे, और अभी तो ये 2028 तक रहने वाले। मॉस्को इज द कैपिटल एंड रुबल, रुबल इज द करेंसी ऑफ रशिया। के नागराज, इनको अभी UN का ब्यूरोक्रेसी के लिए पूरे एक साल के लिए, ये भारत के इंडियन फॉरेन सर्विस के मेंबर हैं। और ये किसको संभालेंगे, मालदीवियन जो फॉरेन मिनिस्टर अभी UNGA के प्रेसिडेंट बने
इनको जो पोस्ट दी गई है शेफ द कैबिनेट, मतलब मेन शेफ, मेन हेड ऑफ दिस कैबिनेट। तो जैसे कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट सेक्रेटरी होता है जिस प्रकार से, उसी प्रकार से ये पूरा डील करेंगे। तो ये बहुत बहुत गर्व की बात है भारत के लिए। ही इज अपॉइंटेड एज ए ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर टेन्योर और नायडू इज इंडियाज डेप्यूटी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूएन। तो भारत के ये डेप्यूटी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है, है ना। ही वॉज ऑन ही विल बी ऑन लोन फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट टू यूनाइटेड नेशन फॉर द पोजिशन। तो ये लोन के तौर पर मतलब उनको लिया गया है, ठीक है। दैट कंपेरेबल टू इंडियन प्राइम मिनिस्टर प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार से प्रेसिडेंट के बिल्कुल क्लोज है ना। तो हु ओवरसीज द कैबिनेट ब्यूरोक्रेसीज, राइट। तो उसी तरह से वहाँ पर ये पोस्ट बनाई है। तो ये आपको याद रखना है कि के नागराज नायडू, और बिल्कुल उसी तरह से डेमोक्रेटिक पॉलिसीज जो जिस प्रकार से भारत के अंदर पॉलिसीज चलती हैं, जिस प्रकार से डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिसी और नीचे तक के ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर्स तक जाती है बातें, उसी प्रकार से यूएन में भी इसी प्रकार का सिमिलर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। देखिए ये आर एस सोडी बहुत ज़्यादा चर्चा में थे पिछले दिनों में। पेटा और अमूल, अमूल बहुत इम्पॉर्टेंट है। 1970 में जो वर्गीश कुरियन के द्वारा जो वाइट रिवॉल्यूशन लाया गया था, उस दौरान भारत में दुग्ध क्रांति आई और उसके बाद में भारत के जो फार्मर्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी उत्पादकता, उनकी अर्निंग भी बढ़ी। तो कई 40 से 50 लाख फार्मर्स सीधा जुड़े हुए हैं और वो लोग अपने गाय भैंस का जो दूध है वो इन्हें सीधा सप्लाई करते हैं अमूल को, और ये एक कॉपरेटिव सोसाइटी है। और इसीलिए पेटा ने ये कहा, पेटा कौन है, PETA। तो यहां पर क्या है, एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। तो यहां पर क्या है कि जिस प्रकार से जानवरों का दुग्ध निकाला जाता है, तो जानवरों के साथ कई सारी मतलब उनको जबरदस्ती उनका दूध निकालना वगैरह, ये पेटा के तहत क्या माना जाता है कि भाई जानवरों के ऊपर जातियां कर रहे हैं हम लोग, है ना, उनके ऊपर ब्रुटली हम लोग जो है। तो इसलिए वो कहते हैं कि आप बजाय डेयरी मिल्क लेने के आप वीगन मिल्क लीजिए, वेगन। वेगन आपने पिछले दिनों में बहुत सुना होगा कि जैसे सोया है, जैसे आलमंड है, जैसे इस प्रकार की जो चीज़ें, उनको बहुत लंबे समय तक पानी में रखा जाएगा तो वो अपने आप दूध बन जाएगा, सफ़ेद सफ़ेद सा जो पार्ट आ जाएगा, तो वो वीगन मिल्क कहलाता है। तो वो बोल रहे हैं कि बजाय आप डेयरी प्रोडक्ट को बंद कर दीजिए और भारत में जो, भारत जो आज दुनिया के नंबर एक में मिल्क प्रोडक्शन में है, उसके पीछे वन ऑफ द रीज़न इज अमूल। तो यहाँ पर एक इनके आपस में जो है ना एक बहुत एक्सचेंज हुआ, और यहाँ तक कि इन्होंने पत्र भी लिखा पीएम को कि भाई आप पेटा को बैन कर दीजिए भारत में, है ना। तो PETA, एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। तो यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन अमूल, जो आनंद गुजरात में है, आर एस सोडी, और इन्हें अभी हाल ही में एशिया पैसिफिक प्रोडक्टिव चैंपियन, प्रोडक्टिविटी चैंपियन का अवार्ड दिया गया एशिया प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन टोक्यो के द्वारा। एशिया प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन टोक्यो के द्वारा ये अवार्ड इन्हें दिया गया है ना। सो ही इज द फर्स्ट इंडियन हैज बीन रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस अवार्ड। तो ये भारत के पहले ऐसे व्यक्ति हैं, ठीक है। एशिया पैसिफिक प्रोडक्टिविटी अवार्ड कौन देता है, आपको याद रखना है कि एशिया प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन टोक्यो, मतलब जापान की, जापान कंट्री देती है, राइट। और यहाँ पर देखिए लगभग 36 लाख मिलियन डेयरी फार्मर्स सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, और आपको पता होगा फार्मर्स की बहुत बड़ी मेजर इनकम जो है ना यहाँ से जनरेट होती है मिल्क प्रोडक्टिविटी से। पिछले दिनों में ये देखिए इनके पूरे प्रोडक्ट जो है ना, अमूल के प्रोडक्ट आपको US में, UK में, दुबई में, सऊदी अरेबिया वगैरह सब जगह आपको ये प्रोडक्ट्स मिलेंगे, नॉट ओनली इन भारत। और भारत एक बड़ा एक्सपोर्टर हो चुका है मिल्क का, है ना। तो यहाँ पर आर एस सोडी ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इन्हें ये एशिया प्रोडक्टिविटी अवार्ड दिया गया जापान के द्वारा। तो यहाँ पर इन्होंने एक बात कही है कि वर्किंग एज मैनेजिंग डायरेक्टर सिंस जून 2010, GCMMF लिमिटेड, जो कि अमूल है, जो कि एक कॉपरेटिव सोसाइटी है, इंडियाज बिगेस्ट फूड एंड डेयरी कंपनी, हैविंग एनुअल 5.5 बिलियन ये इनका उत्पादन है, और ये किसानों की मदद से ही होता है, उनको भी रेवेन्यू जनरेट होता है।
PETA wants Amul to snatch livelihood of 100 million poor farmer and hand over its all resources over 75 years of the farmers' money. तो ये ठीक नहीं है, PETA ऐसा चाहता है तो देश की सरकार वैसे भी ऐसा कुछ नहीं करने वाली है, सीधी सी बात तो ये. और PETA ask Amul to switch to producing vegan milk. ठीक है, vegan milk पर भी switch हो जाएं, लेकिन डेयरी प्रोडक्ट को बंद नहीं किया जा सकता क्योंकि भारत की इकोनॉमी काफी हद तक इस पर. हाँ, उनका एक मत सही है कि एथिकली ट्रीटमेंट होना चाहिए एनिमल का. सो अगला जो टॉपिक है, एक इंटरनेशनल रिलेशन पे बात कर लेते हैं. जीएस पेपर सेकंड के लिए इंटरनेशनल रिलेशन. तो यहां पर देखिए, पिछले दिनों में आपको पता ही है कि अब्दुल्ला हमीद हमने सपोर्ट किया, वो जीते भी 148, ऐसा नहीं हमारे सपोर्ट के द्वारा, बट हाँ एक अच्छा इमेज परसोना उनका ऑलरेडी बना हुआ था. उन्होंने पहले ही 2-3 साल पहले डिक्लेयर कर दिया था अपना कैंडिडेट कि हम इस साल के लिए प्रेसिडेंट के लिए लड़ेंगे, और इसीलिए बहुत हद तक बहुत प्री प्लानिंग के साथ वो जीत भी गए. फाइनली क्या होता है कि भारत का अपना एक एम्बेसी है माले, विच इज द कैपिटल ऑफ मालदीव्स, बट भारत चाहता है कि एक और काउंसलेट अद्दू, मैंने आपको बताया था ना अद्दू नाम का लोकेशन भी बताया था, साउदर्न मोस्ट आइलैंड है जिसमें 30,000 पीपल रहते हैं, तो वहां पर बहुत से लोग रहते हैं और सेकंड सबसे बड़ा पॉपुलस ये आर्कोपेलागो है मालदीव का. भारत चाहता है वहां पर भी एक कॉन्सुलेट खुले. तो ये कुछ इश्यूज हैं, लेकिन फाइनली क्या हुआ, भारत ने तो बिल पास कर दिया लेकिन वहां पर मना कर दिया है ना इब्राहिम सोहली ने, वहां के प्रेसिडेंट ने. तो कुछ रिलेशन को देख लेते हैं, किस किस प्रकार के हमारे रिलेशन रहे. इंटरनेशनल रिलेशन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये इस प्रकार की जो चर्चाएं न्यूज़पेपर में आती है उसी के बिहाफ पे आपसे मेंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिगार्डिंग द रिलेशन, इंटर रिलेशन. सो सिक्योरिटी कॉपरेशन हमेशा से इंडिया ने इमरजेंसी में असिस्टेंस किया है, कई प्रकार के ऑपरेशन कैक्टस, जब लिट्टे वगैरह वो लोग उन्होंने अटैक कर दिया था तो ऑपरेशन कैक्टस चलाया था भारत ने, है ना. तो प्रेसिडेंट ममून अब्दुल गायूम इंडिया सेंड पैराट्रूपर्स एंड नेवी वेसल्स, और ऑपरेशन कैक्टस तो बहुत फेमस है, हमने मालदीव के लिए भेजा था क्योंकि लिट्टे वगैरह वो जो हैं वो वहाँ पर भी उन्होंने काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया था श्रीलंकन जो इश्यू था वो. तो 1988 व्हेन आर्म्ड मर्सिनरीज अटेम्प्ट टू कू अगेंस्ट प्रेसिडेंट, तो आर्म्ड मर्सिनरीज जो थे वो तख्ता पलट करना चाहते थे वहाँ, तो भारत ने उसकी मदद की. इंडिया हैज़ रस्ट एवरी टाइम टू द इमरजेंसी. एक रीज़न भी है जियोपॉलिटिकली, मालदीव की जो पोजीशन है इन इंडियन ओशन, यदि वहाँ पर हमारा एक बेस बन जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा भारत के लिए. काफ़ी हद तक वी कैन डैटर दी हेजिमनी ऑफ चाइना इन इंडियन ओशन. चाइना की जो एक वर्चस्व है हेजिमनी, उसको कम किया जा सकता है. सो इंडिया एंड मालदीव कंडक्ट द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इक्वेरिन, तो ये एक इंपॉर्टेंट है, इक्वेरिन याद रखना, इंडिया एंड मालदीव. और इसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट में भी हमने सुनामी में उसकी मदद की है, इंडिया हमेशा से मदद करता रहा है. COVID-19 में हमने वैक्सीन्स वाला जो प्रोसेस है वो भी देखा. और व्हेन द वर्ल्ड सप्लाई चेन वर ब्लॉक बिकॉज ऑफ पेंडेमिक, इंडिया कंटिन्यू टू प्रोवाइड क्रूशियल कॉमोडिटीज इसी COVID-19 में. मिशन सागर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन कैक्टस इंपॉर्टेंट है, राइट. हमने वैक्सीन्स दी, पीपल टू पीपल कनेक्ट भी है क्योंकि एक्चुअल में इंडियंस ही वहां पर जाकर बसे हैं. ये एक देश अलग से देश है, बट इंडियंस, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियंस आर देयर, सम ऑफ द पाकिस्तानीज आर ऑल्सो देयर, बट इंडियंस आर मोस्टली इंडियंस. सो मालदीवियन स्टूडेंट अटेंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, जो टॉप के इंस्टीट्यूशंस हैं आर्म फोर्सेज में जो हैं वहाँ पर हम लोग मदद करते हैं हेल्थ केयर में. वीज़ा फ्री रिजीम एक्सटेंडेड बाय इंडिया, वीज़ा फ्री कर दिया इनका. इकोनॉमिक कॉपरेशन बहुत अच्छा है भारत का और मालदीव का, दोनों में बहुत अच्छे संबंध हैं. कई बार अपोजिशन पार्टी आ जाती है, दूसरी पार्टी वो चाइना को ज़्यादा सपोर्ट करती है. अभी जो इब्राहिम मोहम्मद सोली की पार्टी वो इंडिया को ज़्यादा सपोर्ट करती है, फेवर टू इंडिया है. लेकिन पिछले दिनों में जो एक इरिटेंट रिलेशन रहे मालदीव और इंडिया के, उसके पीछे क्या कारण था कि मैंने जो बोला कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी अपोजिशन लीडर मोहम्मद नशीद ऑन टेररिज्म चार्जेस एंड कॉन्सिक्वेंट पॉलिटिकल क्राइसिस हैव पोज्ड अ रियल डिप्लोमेटिक टेस्ट टू इंडियाज नेबरहुड पॉलिसी. यहाँ पर मोहम्मद नशीद जो हैं उनकी पॉलिसीज भारत के लिए अच्छी नहीं थी. एंड इंडियाज मेजर कंसर्न हैज़ बीन इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी,
मतलब यहां पर इनस्टेबिलिटी इन द नेबरहुड ऑन इट्स सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट। तो भारत का सबसे ज्यादा इश्यू हमेशा क्या रहता है कि भारत के जो पड़ोस है वहां शांति स्थापित रहे, ताकि कॉर्डियल रिलेशन, एक अच्छे रिलेशन हमेशा चलते रहे। रेडिकलाइजेशन भी वहां पर होता रहता है। देखिए आईएसआईएस का भी वहां पर पाकिस्तान बेस्ड मदरसाज एंड जिहादी ग्रुप्स, वो भी इंक्रीज हो रहे थे, भारत ने वहां भी मदद करी है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जब होता है तो भारत के लिए एक ये लोग अगेंस्ट काम करते हैं। और चाइना का एंगल ये है कि चाइना जो है वो भी यहां पर अपने फुटप्रिंट छोड़ना चाहता है, स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट्स इन इंडियन नेबरहुड इंक्रीज। तो यहां पर हम क्या है, लगातार उनको ओपन हार्ट सपोर्ट करते रहते हैं, ताकि वो चाइना के, इट शुड नॉट वेंट इन टू द लैप ऑफ चाइना, ये चाइना की गोद में जाकर ना बैठ जाए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं। सो मालदीव्स हैज स्टार्टेड यूजिंग चाइना कार्ड टू बार्गेन विद इंडिया। तो मालदीव आजकल क्या करता है, देखिए ये जो छोटे देश है ना, हमेशा ये इस तरह से फायदा उठाते हैं। मतलब मैं यदि डायरेक्टली बात कहूँ तो जैसे कई सारे देश हैं, ऐसा नहीं है, जैसे नेपाल है, तो नेपाल को भारत ने हमेशा से सपोर्ट किया। नाउ व्हाट नेपाल इज डूइंग, नेपाल इज गेटिंग फेवर फ्रॉम चाइना। नाउ टू मेक लेस हेजिमनी ऑफ चाइना, इंडिया विल इन्फ्यूज मोर फंड टू नेपाल एंड अल्टीमेटली चाइना अगेन विल इंक्रीज। इन दिस वे दिस कंट्री विल बी बेनिफिटेड। और ये जो होता है, ये एडिक्शन हो जाता है कंट्रीज को। इन द सेम वे मालदीव बैलेंस बोथ इंडिया एंड चाइना एंड गेटिंग बेनिफिट्स। सो ये चीज जो है ना, एक इश्यू है। तो वे फॉरवर्ड क्या, इट होप दैट इंडिया इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एंड द मालदीवियन प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली वर्क इन टैंडेम। अब तो जो है मालदीवियन प्रेसिडेंट है, भारत का जो बहुत अच्छा रिलेशन रहेगा, भारत ने ओपन हार्टेड सपोर्ट भी किया। अब तो हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ब्यूरोक्रेट वो भी वहाँ पर उनके साथ में काम करेंगे। तो मल्टीलेटरल रिफॉर्म, लेकिन हो क्या रहा है कि अद्दू में अभी इन्होंने मना कर दिया काउंसलेट के लिए, है ना। अभी सो फार इन्होंने अपने अपने पार्लियामेंट में इसको मना कर दिया अद्दू के अंदर काउंसलेट खोलने के लिए। तो आपको समझ में आ गया होगा, एम्बेसी जो होता है वो तो मेन जगह है जहाँ से वीज़ा वगैरह, भारत का मेन एम्बेसी जैसे ना दूतावास, लेकिन काउंसलेट क्या होता है, हम लोग जैसे अमेरिका के अंदर हमने मान लीजिए वॉशिंगटन में एम्बेसी लगाई हुई है, तेल अवीव में एम्बेसी लगाई हुई है, लेकिन हम अपना काउंसलेट जो है इसराइल के जेरूशलम में भी ओपन कर सकते हैं। क्योंकि यदि एक मेजर पॉपुलेशन इंडियन डायस्पोरा को परेशानी ही ना उठानी पड़े कि भाई सैन फ्रांसिस्को से, सैन फ्रांसिस्को इज द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ यूएसए, न्यूयॉर्क इज ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ यूएसए, तो यहाँ पर एक कॉन्सुलेट का होना जरूरी है। ऐसा तो नहीं होगा कि वो 4-5,000 किलोमीटर दूर जाकर और है ना न्यूयॉर्क में जाकर अपना इंडिया रिलेटेड जो भी इशू है कि वीज़ आना है जाना है ना, इमिग्रेशन एमिग्रेशन एटसेट्रा। सो नेक्स्ट टॉपिक इज ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ये दिया जाता है कि भाई कौन सा शहर रहने के लिए सबसे अच्छा माना गया। तो 140 शहरों पर रिसर्च हुआ, जिसमें न्यूजीलैंड का एक शहर है ऑकलैंड, इट इज नॉट द कैपिटल। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है, न्यूजीलैंड की कैपिटल बता सकते हैं क्या है, है ना, वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। और न्यूजीलैंड बड़ा अच्छा देश चल रहा है आजकल, है ना, बड़े बोल्ड डिसीजन लिए। न्यूजीलैंड इज द फर्स्ट कंट्री विच डिक्लेयर्ड दैट वी आर कोविड फ्री, द फर्स्ट कंट्री विच डिक्लेयर्ड वी आर कोविड फ्री। सो टॉप द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स। तो ये जो इंडेक्स है, 30 अलग अलग प्रकार के फैक्टर्स वगैरह पर, जो पैरामीटर्स मैं बात करता हूँ, हर इंडेक्स का अपने कुछ पैरामीटर्स होते हैं, और उस पैरामीटर्स में स्टेबिलिटी कितनी है, मेनली ये है, हेल्थ केयर, कल्चर एंड एनवायरमेंट, एजुकेशन का स्तर क्या है, और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इनके अपने अपने परसेंटेजेस हैं, राइट। तो ड्यू टू पेंडेमिक EIU एडेड न्यू इंडिकेटर्स। और यहाँ पर क्या हुआ कि भाई देखो, समय परिस्थिति के अनुसार कुछ नए पैरामीटर्स का ऐड होना जरूरी है। कल को किसी अलग प्रकार का पेंडेमिक आता है, उसके लिए अकॉर्डिंगली, है ना, कोई ऐसा डिजास्टर आता है। सो ड्यू टू दिस पेंडेमिक इंटेलिजेंस, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट एडेड न्यू इंडिकेटर सच एज स्ट्रेस ऑन हेल्थ केयर रिसोर्सेज। जैसे भारत के अंदर हेल्थ केयर ठीक ठाक चल रहा था, वैसे बहुत कम नंबर, लगभग 800,000 टोटल डॉक्टर्स हैं भारत में बस, और ये अपने आप में वर्स्ट रेशियो है दुनिया का। मैं आपको बताऊं तो
भारत लगभग 185 टू 190 कंट्रीज में, 190 कंट्रीज में भारत का रैंक है 154। तो ये पोजीशन है भारत की हेल्थ इंडिकेटर्स। जीडीपी बजट का भी एक मेजर पार्ट हमेशा से कहा जाता है कि एजुकेशन और हेल्थ पर दिया जाए। तो ये जो एजुकेशन और हेल्थ है, अगेन ये जीएस पेपर सेकंड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये पॉइंट्स जो मैं बता रहा हूँ वो आप कोट कर सकते हैं। ड्यू टू द पेंडेमिक EIU एडेड न्यू इंडिकेटर्स सच एज हेल्थ केयर रिसोर्सेज का क्या दबाव पड़ा, है ना। जैसे दिल्ली के ऊपर बहुत बुरा हालत हो गया है ना, तो ईच फैक्टर ऑफ द सिटी रेटेड एज एक्सेप्टेबल है, टॉलरेबल है, या बिल्कुल अनकंफर्टेबल, अनडिजायरेबल या इनटॉलरेबल। तो यहाँ से क्या होता है, एक पोजीशन ये लोग निकालते हैं। तो जनरल सिनेरियो इन्होंने कोविड 19 बेस दिया, और ऑस्ट्रेलियाज वियना, ये जो शहर है विच इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया, इट इज ऑल्सो ओपेक कंट्रीज हेडक्वार्टर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक। तो 2018-19 में ये देश था, लेकिन ये ड्रॉप होके आउट ऑफ 10 रैंक पर चला गया ऑस्ट्रिया वियना। कोविड 19 के चलते इसकी रैंकिंग पीछे हट गई। ऑकलैंड भी कम, देखिए ऑकलैंड क्यों मैंने बोला ना आपको, न्यूजीलैंड जो है उसने डिक्लेयर किया कि हमको हमारे यहाँ पे कोविड 19 बिल्कुल फ्री हो गए। तो इस प्रकार से दुनिया की सबसे वर्स्ट सिटी जो है वो दमिश्कस, जो दुनिया की ओल्डेस्ट सिटी सिविलाइजेशन में से एक है, 12,000 साल पहले इस शहर का निर्माण हो गया था, सीरिया की कैपिटल दमिश्कस, है ना। सीरिया और इसराइल का भी विवाद भी चल रहा है, आपको याद आ रहा होगा बेंजामिन नेतन्याहू ने जाते जाते बहुत ज़्यादा विस्फोट कराए हैं, है ना, अटैक किए हैं। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि सीरिया के पास अमेरिका के द्वारा जो प्रोवाइडेड S-200 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, भारत को S-400 मिलेगा, ये दुनिया के बेस्ट एलिटिस्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। तो भले ही इसराइल बहुत सारे जो गोलन हाइट है ना, यहीं पर आता है गोलन हाइट रीजन, जिसको कैप्चर कर लिया है, गोलन हाइट हमेशा से एग्जाम में पूछा जाता है, उसको इन्होंने सीरिया के एरिया से ही कैप्चर कर लिया इसराइल ने। तो इस कारण ये विस्फोट इतने ज़्यादा नहीं देखने को मिले बिकॉज ऑफ द मिसाइल डिफेंस सिस्टम ऑफ द रशियन प्रोवाइडेड टू सीरिया। सो दमिश्कस वर्स्ट बताया गया यहाँ पे लिविंग के लिए। और वैसे तो मैं आपको बताऊँ कि मेरे नोन है जो वहाँ के फॉरेन जो एम्बेसी है वहाँ पर है, यहाँ पर दमिश्कस एक ऐसा शहर है कि भारत के जो एम्बेसी है वो लैंड के ऊपर, धरातल के ऊपर नहीं है, उन्होंने अपनी जो एम्बेसी बना ली है वो धरातल के नीचे, अंडरग्राउंड ऑफिसेज होते हैं। क्यों? सीरिया इज द बैटल ग्राउंड ऑफ वर्ल्ड, यहाँ पर रशिया और इधर नाटो की जो पावर्स हैं, यूके, फ्रांस एंड यूएसए, ये लगातार बॉम्बिंग करते रहते हैं। तो भारत के लोग कैसे बचेंगे? तो इन्होंने ज़्यादातर जो इनके शहर के मकान है वो अंडरग्राउंड बना रखे हैं, भारत की एम्बेसी भी नीचे, राइट। तो ये एक वर्स्ट केस बताया। इधर मोस्ट प्रीवियस 10 लीस्ट लिवेबल कंट्रीज में से बॉटम 10 में ढाका भी है, कराची भी है, एशिया पैसिफिक रीजन में, राइट। तो इस प्रकार से आपको ये कुछ टॉप रैंकिंग का पता होना चाहिए, है ना। तो टॉप रैंकिंग में ऑकलैंड के बाद ओसाका जो जापान की है, एडिलेड ये ऑस्ट्रेलिया, फिर टोक्यो, वेलिंगटन इज द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड, ठीक है। तो 3 मोस्ट लिवेबल सिटी ये रहे, ऑकलैंड, ओसाका एंड एडिलेड। एडिलेड आपने बहुत सुना होगा, यहाँ पर बहुत से मैचेस होते हैं। अपार्ट फ्रॉम द सिटीज ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड अदर सिटीज, तेपई विच इज द कैपिटल ऑफ ताइवान, आपको पता होगा ताइवान को चाइना एक देश मानता ही नहीं है, और जापान के जो सागू जो नए प्रेसिडेंट बने हैं, है ना, शिंजो आबे के बाद में, तो उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा अपने पार्लियामेंट में कि ताइवान एज ए कंट्री डूइंग वेरी गुड इन हैंडलिंग द कोविड 19 पेंडेमिक, और उसके बाद में चाइना बड़ा एग्रेशन में आ गया। ये सब बातें भी आपने पिछले दिनों में सुनी होंगी। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि चाइना से रिटर्न में साइन किया गया था कि कभी आप इसे कोई एक कंट्री देश नहीं बुलाएंगे, लेकिन अब जो है ऐसा देखने को मिल रहा है कि जापान बड़ा एंटी, मतलब अपने लो लेवल पर इनके रिलेशंस चल रहे हैं। सो बॉटम 3 में जो 3 कंट्री हैं, देश हैं, देखिए ये सब जो नाम है, आप बोलेंगे व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस मच, व्हाई ईच एंड एवरी सिटी। सी मेनी टाइम क्या होता है कि आपको प्लेसेस इन न्यूज़ आता है,
आपको ज्योग्राफिकल पोजीशंस पूछी जाती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई पोर्ट मोरेसबी कहाँ पर है, पपुआ न्यू गिनिया में, लागोस नाइजीरिया, आपने ये भी सुना होगा नाइजीरिया ने अभी कू ऐप को बैन कू ऐप को ज्वाइन कर लिया है जो इंडियन ऑरिजिन है, और इन्होंने ट्विटर को पूरी तरह से बैन कर दिया है। ट्विटर को बैन करने वाला देश कौन सा है? नाइजीरिया। अब यहां पर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की, दैट इज ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन, वेरी इंपॉर्टेंट जीएस पेपर सेकंड के लिए। अब हुआ क्या देखिए, एक सीपीआई मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के एमपी हैं जो केरल से बिलोंग करते हैं, राइट, और इनका नाम है एमपी विनय विश्वम, और ये इस पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट के तौर पर भी काम करते, विनय विश्वम। तो इन्होंने ये बोला कि जो मिस्टर पटेल, जो कि कौन है, एडमिनिस्ट्रेटर है, आपको पता है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यूनियन टेरिटरीज में या तो लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर तो कहां कहां पर है, पौंडिचेरी और दिल्ली में, बाकी जगह एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, यस और नो। तो यहां पर जब ये मालदीव ये लक्षद्वीप जा रहे थे तो इनको आने से वहां पर रोका है ना, मतलब वो नहीं घूम सकते, आप यहां नहीं आ सकते। तो यहां पर जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं प्रफुल्ल के पटेल, तो यहां पर इन्होंने रिफ्यूज कर दी इनकी एंट्रेंस, सीपीआई एमपी मूव्स टू ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन अगेंस्ट लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेटर, इज इट क्लियर। तो एमपी हैज फाइल्ड अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन, और ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन दो तरीके से होता है, या तो किसी एमपी या फिर एमएलए को, मतलब स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे, यदि उसे वो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को रोकने की प्रयास करता है, तो उस पर्टिकुलर पर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन हो सकता है। क्योंकि ये अपने आप में रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया के, इनको कहीं रीजन क्षेत्र में जाने से रोका जाता है तो वो भी क्या है, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन। अब आप बोलेंगे कुछ ऐसे भी रीजन है जहां पर परमिशन लेके ही जाना होता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, कुछ नागालैंड के क्षेत्र, देखिए वहां पर तो परमिशन लेनी होगी, लेकिन वो एरिया जो फ्री फॉर मूवमेंट है उनके लिए इश्यू। तो यहां पर इन्होंने ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन लगाया अगेंस्ट द लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल के पटेल, प्रिवेंटिंग हिम फ्रॉम मीटिंग हिज कार्डर एंड पीपल ऑफ द आइलैंड, उसके कार्डर के लोग जो हैं उनको मीट करने से इन्होंने मना किया और इसलिए ऐसा कुछ हुआ। तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन क्या होता है, ये एक प्रकार की इम्यूनिटीज प्रतिरोध देता है, शक्ति देता है हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर, एक तो पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और उनके लोग मतलब एमएलए, उन्हें विशेष प्रकार की प्रतिषेध की शक्ति देता है कि भाई उनको कोई रोकेगा नहीं। प्रिविलेज रेफर्स टू राइट एंड इम्यूनिटी एंजॉयड बाय लेजिस्लेचर, तो ये एक प्रकार की इम्यूनिटी मतलब क्या है, प्रतिरक्षा इनको प्रदान की जाती है, इज इट क्लियर। और इसके चलते क्या है, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, कि भाई उनको कहीं रोका जाए, ऑब्स्ट्रक्ट किया जाए, किसी ने जो राजकार्य है जैसे पार्लियामेंट में या लेजिस्लेटिव असेंबली के जो सेशन चल रहा है उसमें बाधा डाल रहा है, इंपेड कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, कोई अपना काम कर रहा है उसके कार्य को ऑब्स्ट्रक्ट किया जा रहा है, वो अपने लोगों से मिलने जा रहा है उसको ऑब्स्ट्रक्ट किया जा रहा है, देन ही कैन अप्लाई अ ब्रीच ऑफ मोशन। लेकिन होता क्या है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां की स्पीकर हैं, चेयरमैन, तो यहां पर क्या होता है कि जो प्रिविलेज कमेटी कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर, कौन सी, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो स्पीकर हैं वो एक कमेटी होती है हमेशा, और उसी प्रकार से जैसे लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है, जैसे 7 राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, तो वहां पर ये तो 15 मेंबर्स की और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में 11 मेंबर की, और ये जो विश्वान है ये राज्यसभा के मेंबर, तो इन कमेटी के पास ये प्रस्ताव जाता है और प्रूफ करना होता है कि क्या ऐसा कुछ हुआ है, और वाकई में ऐसा हुआ है तो ये जो कमेटी होती है ये क्वासी जुडिशियल पावर रखती है और ये फैसला देती हैं, है ना, और इस सब के लिए स्पीकर को डिसाइड करना होता है ऑन द मोशन, एंड फाइनली स्पीकर किसके पास भेजता है, इन कमेटी के पास भेजता है, लेजिस्लेटिव असेंबली की कमेटी में 15 मेंबर
और लेजिस्लेटिव काउंसिल के असेंबली में 11 मेंबर होते हैं, और इस प्रकार से एक पूरा प्रोसीजर चलता है और फिर प्रूफ होता है और इंक्वायरी की जाती है और उस आधार पर रिकमेंडेशन किया जाता है। तो ये जो आर्टिकल्स हैं, ये दो आर्टिकल हैं बहुत इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज 194 और एक है 105, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग MLA की बात करेंगे या स्टेट लेजिस्लेचर की बात करेंगे तो इनको जो इम्यूनिटी प्रदान की गई है वो आर्टिकल 194 में प्रदान की गई है, और जो नेशनल लेवल पर मतलब कि MPs के लिए है वो 105 आर्टिकल में। तो इन्होंने किसके तहत काम कार्रवाई की होगी, 105 के तहत, क्यों? क्योंकि ही इज द MP ऑफ राज्यसभा। आई थिंक ये बातें क्लियर हो गई होंगी आपको। सो लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज G7। G7 कंट्रीज बहुत चर्चा में हैं ओवरऑल भारत के लिए भी। तो ये कंट्री जो G7 है, एक समय में रशिया भी इसका पार्ट था, 1975 में इनकी स्थापना हुई, राइट। 7 कंट्रीज हैं वर्तमान में जो दुनिया की सबसे डेवलप्ड नेशन है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। 2014 में ये G8 कहलाया करता था, लेकिन क्रीमिया पेनिनसुला पर रशिया ने कंट्रोल कर लिया, उसके बाद उसे G8 से निकाल दिया गया, इट बिकेम G7। समय समय पर यह डिस्कशन होता रहता है कि मेनली क्या हुआ था, जब इसको बनाया गया था 1975 में, तो उस समय पर ऑयल क्राइसिस चल रहा था, और मेनली क्या है, दुनिया के इकोनॉमिक इश्यूज, क्योंकि दुनिया के लीडिंग देश हुआ करते थे इकोनॉमी के मामले में, तो ये उसको रिजॉल्व कर लेते इसलिए। लेकिन बाद में आने वाले समय में जैसे जैसे इसका जो डेवलपमेंट हुआ, इनका जो एरिया है इन्होंने अपना बढ़ाया, और ये ऑयल प्राइसेस पर, प्रेसिंग इश्यू ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, टेररिज्म, आर्म्स कंट्रोल, ड्रग ट्रैफिकिंग, जो मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह है, FATF वगैरह, तो इन सब पर भी इन्होंने काम करना स्टार्ट किया, है ना। तो कनाडा ने इसको बाद में ज्वाइन किया था 1976 में, है ना। और देखिए अब क्या है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, व्हाई इज दिस मीटिंग इंपॉर्टेंट। एक तो अभी देखिए US रशिया के रिलेशंस जो चल रहे हैं अभी, वो अपने लोएस्ट लेवल पर, नादिर, सबसे निम्नतम पॉइंट पर जा चुके हैं अब। और एक समय में जिस प्रकार से मिखाइल गोर्बाचेव और रोनाल्ड रीगन 1985 में जेनेवा में मिले थे, इसी प्रकार की एक मीटिंग फिर से जेनेवा में इसी प्रकार की एक अच्छी मीटिंग मानी जा सकती है, तो कुछ अच्छे परिणाम आ सकते हैं, बायलेटरल ट्राइज। और यहाँ पर US वॉन्ट टू फोकस इट्स स्ट्रेटेजिक राइवल चाइना, तो चाइना को रोकने के लिए USA एक बहुत अच्छी प्लानिंग कर रहा है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि न्यू दिल्ली शुड ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ दिस G7। वाई इंडिया भी इसका पार्ट क्यों होना चाहिए, लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, और वो प्रेशर बना सके। देखिए अमेरिका अब क्या करना चाह रहा है कि दुनिया के जो ताकतवर देश है उनको जोड़कर और फिर चाइना के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर चाइना के रूप में उभरा है US के लिए। With the assertive China looming, US is calling all like-minded countries to be the partner in the dealing with Beijing. और इसके अलावा देखिए, India is likely to get vaccine from US, Pfizer, Moderna, COVAX के तहत। तो यहाँ पर India estimate suggest India will get around 2 to 3 million vaccine in the first tranche. तो भारत के लिए ये एक बहुत अच्छा अवसर है, और इसीलिए भारत के लिए भी important है G7, India को भी इसमें इनवाइट किया गया। नेक्स्ट इज काइम टेलीस्कोप, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए होता क्या है, यूनिवर्स में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ही फ्यूल है, और इस यूनिवर्स का सबसे मेजर हिस्सा भी हाइड्रोजन ही है, लगभग 70-75% जो हमें दिखता है उसमें। डार्क मैटर की बात नहीं कर रहा हूं, एक्सेप्ट डार्क मैटर मैक्सिमम इज हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन एनर्जी के कारण, है ना, यहां पर क्या होता है, लगातार बस्ट, मतलब बस्ट का मतलब क्या होता है, लगातार विस्फोट होता रहता है यूनिवर्स का, और उसको रीड करने के लिए कि विस्फोट क्या है, एक्चुअल में इनका कारण क्या है, इसको कैलकुलेट करने के लिए कैनेडियन हाइड्रोजन इंटेंसिटी मैपिंग एक्सपेरिमेंट, जो हाइड्रोजन की इंटेंसिटी को मैप करेगा और पूरे आकाश में, ये बहुत बड़ी जो है ना परवलयिक, ये इस प्रकार से चार बहुत 100x20 feet की है, ये 100 feet और ये 20 feet का ये चार
इस प्रकार के क्या है, रडार लगाए गए हैं जो फास्ट रेडियो बस्ट, ये फास्ट रेडियो बस्ट कहाँ होते हैं, ब्रह्मांड के किसी भी कॉर्नर में होते हैं, उसका विस्फोट का बस्ट का कारण क्या है, तो ये टर्म आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, फास्ट रेडियो बस्ट। इनके लार्जेस्ट कलेक्शन को नोटिस करने के लिए एक डेडिकेटेड टेलीस्कोप लगाई गई और इसमें ये चार हैं इस प्रकार से, ठीक है, तो ये कनाडा में लगाया गया है। तो काइन इट इज अ काइंड ऑफ व्हाट, टेलीस्कोप, इट इज अ इंटरफेरोमेट्रिक रेडियो टेलीस्कोप एट डोमिनियन रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स ऑब्जर्वेटरी इन ब्रिटिश कोलंबिया। ब्रिटिश कोलंबिया कहाँ है, देखिए ये कनाडा है मान लीजिए, ये अलास्का वाला हिस्सा ये है, राइट, ये कनाडा है, नीचे यूएसए है, तो यहाँ पर ये वाला जो रीजन है ना ये ब्रिटिश कोलंबिया, तो यहाँ पर इसे लगाया गया 100 by 20 नॉट फीट, इट इज मीटर, सिलेंड्रिकल पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, और ये क्या करेगा, लगातार ब्रह्मांड का हाफ ऑफ द स्काई है वहां से अंधेरे में नाइट में ये जब चमकते हैं, जब ये बस्ट होते हैं फर्स्ट, राइट, रेडियो बस्ट FBR, उनको नोटिस करें, फर्स्ट रेडियो बस्ट। तो ये फर्स्ट रेडियो बस्ट होते क्या हैं, ये ऑडली ब्राइट फ्लैशेस ऑफ लाइट रजिस्टरिंग इनटू रेडियो बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच ब्लेज फॉर अ फ्यू मिलीसेकंड बिफोर वैनिशिंग विदाउट ट्रेस। मतलब क्या होता है, ये कुछ इस प्रकार के सेलेस्टियल बॉडी कह लो या कुछ इस प्रकार के लाइट्स हैं जो पूरी तरह से बर्न होने से पहले, जिसके ट्रेसेस, जिसके कोई प्रमाण भी नहीं बचते हैं, वो मिली सेकेंड्स के लिए 10^-3 सेकेंड से भी कम के लिए एकदम से कुछ चीज चमकती है, और उसके पीछे क्या रीजन है, ये जो बीकन है, ये जो चमक है, मिस्टीरियस बीकन, इसके पीछे क्या रीजन है, हमें इसको स्पॉट करना है, और इसीलिए CHIME प्रोजेक्ट कैनेडा ने चलाया। तो वॉट इज काइम, कैनेडियन हाइड्रोजन इंटेंसिटी मैपिंग एक्सपेरिमेंट, फास्ट रेडियो बस्ट को नोटिस करेगा, और ये ब्रिटिश कोलंबियन रीजन में लगाए गए हैं। अब बात आ रही है एक और ज्योग्राफिकल रीजन की, दैट इज साहिल रीजन। ज्योग्राफी जीएस पेपर सेकंड के लिए, फर्स्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। साहिल रीजन क्या है, देखिए ये पूरा डेजर्ट है, और साहिल रीजन क्या करता है, ये इसके नीचे वाला जो एरिया है ये काफी हद तक ग्रीन है, मतलब कि यहां पर एक तो रेनफॉल भी अच्छा है और रिवर्स भी बहुत अच्छी हैं, और इस कारण से इकोलॉजी बहुत अच्छा है। जैसे रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बारे में सुना होगा, ब्राज़ील के बाद में सबसे रिच बायोडायवर्सिटी में से एक देश है वो। तो साहिल क्या करता है, डेजर्ट को और ज़्यादा स्प्रेड फैलने से, और ऐसा ना हो कि वो और ज़्यादा नीचे आ जाए, तो ये बीच वाला जो रीजन है, जो एक प्रकार से ग्रासलैंड कह सकते हैं, है ना, घास का मैदान, जिस प्रकार से प्रेरीज हैं, वेल्ड्स हैं, तो ये साहिल रीजन है, ग्रासलैंड है, ठीक है। यहां पर ग्रीन वॉल भी बनाई गई है ताकि क्या हो सके, ये रेगिस्तान क्या होता है, जैसे राजस्थान का भी रेगिस्तान है, यहां पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लांटेशन कर रहे हैं, ट्री प्लांटेशन, क्यों, ताकि वो डेजर्ट को रोक सके, वैसे ही यहां पर एक ग्रीन वॉल बनाई गई। तो ये जो साहिल रीजन है, देखिए सेनेगल, मॉरिटानिया, माली, नाइजर, राइट, यहां पर आता है चाड, सूडान और एरिट्रिया, ये इस रीजन में आता है, और इसके नीचे जस्ट यहां पर बुर्किना फासो। तो ये जो बुर्किना फासो है, अभी यहां पर कुछ 150-160 लोगों की मृत्यु हुई एक पूरे एक रिलीजियस टेररिज्म के चलते, 160 पीपल ऑफ ए विलेज ऑफ बुर्किना फासो, ये चर्चा में है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑपरेशन ग्रीन कवर क्या है, ऑपरेशन ग्रीन वॉल क्या है, कहां पर है, साहिल रीजन क्या है, राइट। तो यहां पर आपको एक ज्योग्राफिकली प्रिलिम्स के लिए पॉइंट्स आते हैं। साहिल इज अ इको क्लाइमेटिक एंड बायोजियोग्राफिक रियल्म ऑफ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन क्यों, ऊपर डेजर्ट है और नीचे बहुत प्रोडक्टिव अफ्रीका है, बीच में है साहिल रीजन। सो हैविंग अ सेमी एरिड क्लाइमेट, सेमी एरिड, और यही इसी क्लाइमेट में क्या होता है, ग्रासलैंड्स होते हैं, और ये स्ट्रेच करता है नॉर्दर्न अफ्रीका से अटलांटिक ओशन से लेकर रेड सी तक, राइट, सेनेगल से एरिट्रिया तक, और इसमें ये सभी देश आते हैं, है ना, बुर्किना फासो, माली, मॉरिटाना, अभी जो मैप में देखा, एरिट्रिया, राइट। तो साहिल रीजन क्या है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एक और प्लेसेस इन न्यूज में, पक्के जिसे
पखुई टाइगर रिजर्व भी कहते हैं, विच इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश, और दिस टाइगर रिजर्व वॉन द इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड इन 2016 कैटेगरी। तो यहां पर इसे इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड भी दिया गया। पखुई बहुत इंपॉर्टेंट है अरुणाचल प्रदेश, याद रखना। यहां पर हॉर्नबिल नेस्ट अडॉप्टेशन प्रोग्राम्स भी चलाया गया, राइट। तो इस प्रकार से पखुई आपको एक याद रखना है ना, ठीक है। कैमेंग रिवर जो है वहीं अरुणाचल प्रदेश की कैमेंग रिवर, तो वहां पर ये पाया जाता है। और ये ईस्टर्न जो हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, हमने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ब्रीफ में बताया था, हॉटस्पॉट टर्म नॉर्मन मायर्स के द्वारा दी गई, और ईस्टर्न हिमालय जो है वो एक हॉटस्पॉट है। भारत में कुल कितने हॉटस्पॉट आते हैं देखिए, पहला हॉटस्पॉट तो है हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज वेस्टर्न घाट, उसके बाद में ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, एक है इंडो बर्मा या इंडो म्यांमार का जो रीजन है वो भी हॉटस्पॉट है, और चौथा क्या है देखिए, बहुत स्मॉल पार्ट अंडमान निकोबार जो है उसका सुंडा भी हॉटस्पॉट के नाम से जाना जाता है। तो ये चार एक्चुअल में हॉटस्पॉट है, ये बहुत कम परसेंटेज में ये दोनों देशों के बीच में, ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, वेस्टर्न घाट इज सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वेस्टर्न घाट। तो इस प्रकार से आपको ये पखुई टाइगर रिजर्व जरूर याद रखना है, ठीक है, राइट, पखुई टाइगर रिजर्व। चलिए तो इसके बाद बात आ रही है, ये संस्था हमेशा न्यूज में रहती है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फासी, यही वो ऑर्गेनाइजेशन है जो लाइसेंस देती है किसी भी फूड प्रोसेस्ड फूड में, उनका जो क्रिटिक्स हैं फॉर एग्जांपल कि भाई फूड कब तक खराब होगा, उसको प्रॉपर लाइसेंस है या नहीं है, और जो रिसर्च वगैरह कर रहा है किसी प्रकार की मिलावट एडल्ट्रेशन, उस सब का जांच, तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसने अभी क्या कर दिया, देखिए मैंडेटेड कर दिया फूड बिजनेस ऑपरेटर्स जो हैं कि आप जब भी कभी कैश रिसिप्ट देंगे या रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे वहां पर फासी का लाइसेंस होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए जब भी आप किसी को कैश रिसिप्ट या परचेज इनवॉइस देंगे, और ऐसा 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा। अभी एटीएम वाली बात भी आपको याद आ रही होगी, एटीएम, यस और नो, एटीएम्स, वहां से भी हम लोग पैसा पूरा नहीं निकाल सकते हैं, सॉरी 3 के बाद हमारे एटीएम पर जितनी बार ट्रांजेक्शन करेंगे 21 रुपीस चार्जेस कटेगा, ये भी आपने सुना होगा अभी है ना, वो फर्स्ट जनवरी 2022 से लागू हो जाएगा। तो फूड सेफ्टी रेगुलेटरी ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है भारत के लिए। अब इन्होंने बोला है कि फासाई लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, कैश रिसिप्ट एंड परचेज इनवॉइस, यस, सो फासी, तो यहां पर ये इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है। करंटली रीता टियोटिया शी इज दी चेयरपर्सन, एंड अरुण सिंघल ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको ये पूछा जाता है कि फासाई किस मंत्रालय के अंडर में, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि फासाई किस में आता है। आप जितने भी प्रोडक्ट देखेंगे प्रोसेस्ड प्रोडक्ट, उसके अंदर आपको फासाई का ही टैग मिलेगा, आप जरूर देखेंगे प्रोसेस्ड आइटम जितने भी हैं। सो वी विल डिस्कस द लास्ट टॉपिक, आई थिंक इट इज द लास्ट टॉपिक। सो यहां पर ये भी प्रीलिम्स के लिए, ओडिशा में इन्होंने अवार्ड रिवॉर्ड देंगे, 1000 रुपीज का पुरस्कार देंगे, यदि कोई भी जैसे फिशरमैन क्या होता है घोस्ट नेट है उनके नेट में जब ये घड़ियाल फंस जाते हैं, तो यदि उनको बचा रहे हैं उनकी मदद कर रहे हैं, क्योंकि घड़ियाल जो है ना वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में आते हैं, राइट, तो घड़ियाल सर क्रिटिकली एंडेंजर्ड क्रोकोडाइल स्पीसीज, घड़ियाल जो है ना उसका मुख थोड़ा सा अलग होता है, टाइगर का जो मुख क्रोकोडाइल का जो मुख होता है वो तो होता है थोड़ा इस तरह का बड़ा, और ये जो घड़ियाल जो होते हैं उसका कुछ मुख बहुत पतला सा होता है इस प्रकार से, है ना, घड़ियाल। और घड़ियाल के लिए लखनऊ में भी रिसर्च सेंटर है, तो इट इज ऑल्सो प्रोवाइड कंपनसेशन टू फिशरमैन, 1000 रुपीज दिए जाएंगे ताकि इनको बचाया जा सके। देखिए इकोलॉजी के लिए हमें, हमारे लिए इकोलॉजी जो होता है, तो ये जो देखिए इसका जो पतला सा ये जो मुंह है, जो क्रोकोडाइल से बहुत पतला मुंह होता है, घड़ियाल इज डिफरेंट, ठीक है। तो
ये इकोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं अलग अलग जानवर। एलिफेंट वो तो की स्टोन स्पीसीज का काम करता है ना, कि आपने एनवायरनमेंट में सुना होगा की स्टोन स्पीसीज क्या होती हैं, जो एनवायरनमेंट में ऐसा ना हो जाए कि पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं, वो भी नुकसान दे। तो उसके लिए आपने देखा होगा कि हाथी पेड़ों को तोड़ते हुए चलते हैं, हाथियों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। टाइगर आर की स्टोन स्पीसीज, तो शेड्यूल वन के अंदर इन्हें डाला गया, मतलब इन्हें मारने पर जुर्माना है, जेल हो सकती है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, राइट। इंटरनेशनली जो रेड लिस्ट डेटा प्रकाशन होता है IUCN के द्वारा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो दे आर जनरली वीकर देन सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। मगर जो होते हैं ना सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल से ये कंपैरेटिवली, आपने देखा होगा, आपने बहुत सुना भी होगा, जो कोटा में जो नदी है चंबल, चंबल में बहुत से क्रोकोडाइल हैं, है ना, चंबल में भी वहाँ पर प्रिजर्वेशन के लिए उनको रखा हुआ है। सो आई थिंक आपको ये सारी बातें एकदम क्लियर हो गई होंगी। सो यस, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, तो सोक्रेटिस का ये स्टेटमेंट जरूर याद रखना है आपको, कि आपको सोचना, यू मस्ट बी अ थिंकिंग क्रिएचर, आपको बौद्धिक जुगाली करनी है, यू मस्ट हैव रूमिनेशन, इंटेलेक्चुअल रूमिनेशन इज रिक्वायर्ड, बौद्धिक जुगाली करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सोचिए, और तभी एक इंटेलेक्चुअल रूप में आप क्या आंसर भी लिख पाएंगे, और आपको इस तरह की थॉट प्रोसेस को जनरेट करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, गॉड ब्लेस यू ऑल। टुमारो इज वेरी इंपॉर्टेंट, वॉट इज टुमारो, वी विल हैव सम MCQs ऑफ दिस होल वीक, एंड इफ इट इज पॉसिबल मैं आपके लिए करंट अफेयर भी ले आऊँगा, और साथ ही साथ में मैं आपको MCQs का राउंड भी करवा दूंगा। सो जय हिंद दोस्तों, ग्लड ब्लेस यू एवरी वन, एन्जॉय योर लाइफ।